सभी दर्शकों को नमस्कार। हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर अलवर से, आज पुलिस महानिदेशक तेजस्वी गौतम ने बड़ा खुलासा किया है। कस्बा लक्ष्मणगढ़, कठुमर, गोविंदगढ़ दुकानों में लगातार हुई चोरियों का पर्दाफाश। चार शातिर मुलजिमों 6 एलईडी के साथ गिरफ्तार किया है। तेजस्वी गौतम पुलिस अधीक्षक जिला अलवर द्वारा अलवर में अपराधों की रोकथाम के अनुसंधान कर निस्तारण की कार्रवाई करते हुए श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अलवर के सुपरविजन व श्री अशोक चौहान वृत्ताधिकारी वृत्त लक्ष्मणगढ़ के निकटतम सुपरविजन में पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़ के थाना अधिकारी अजीत सिंह उप निरीक्षक में टीम व डीएसटी टीम द्वारा थाना क्षेत्र में दुकानों के ताले तोड़कर सामान चोरी करने के वाले गिरोह का चार शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लक्ष्मणगढ़ से जुड़ रहे गिरिराज प्रसाद सोलंकी जी, वो बताएंगे फोन लाइन पर क्या कुछ कहा तेजस्वी गौतम ने और पुलिस का क्या कहना है। सभी दर्शकों को नमस्कार, देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे। क्या कुछ कहते हैं गिरिराज प्रसाद सोलंकी? हाँ जी गिरिराज, ये क्या मामला था जो कि आज पुलिस ने खुलासा किया है बड़ी चोरी की वारदात का? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ में बढ़ती चोरियों को लेकर के जी कस्बे और पुलिस के बीच भारी तनाव होने लगा और तनाव इतना बढ़ गया कि व्यापारी संगठनों ने मिलकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन के पश्चात लक्ष्मणगढ़ कस्बा बाजार बंद रहा। जी बाजार बंद होने के पश्चात इन्होंने क्या है, एक जाजम पर बैठकर कस्बे के भगत सिंह सर्किल पर वहीं पर इन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन दिया और एसपी महोदय को ज्ञापन देते हुए बाजार बंद किया। बंद करने के पश्चात में विधायक महोदय जौहरीलाल मीणा मौके पर पहुंचे, इनके साथ में डीवाईएसपी अजीत सिंह चौहान और थाना अधिकारी अजीत जी और अशोक चौहान डीवाईएसपी अजीत जी थाना अधिकारी, ये मौके पर पहुंचकर इन्होंने आश्वासन दिया कि आप धरना प्रदर्शन बंद करें और बाजार को खुलवाएं। इसके पश्चात हम आपको आश्वासन देते हैं 7 दिन के अंदर चोरी खुल जाएगी। जी सोलंकी जी, ये कब 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 दिया था ये धरना, कब दिया गया था ये? ये धरना 26 तारीख को दिया था। ये 26 तारीख को चोरी हुई थी। अच्छा 3 तारीख को चोरी हुई थी। 3 तारीख हाँ। कौन सी 3 तारीख को ये चोरी हुई थी? ये फरवरी 3 तारीख को। अच्छा पिछले महीने ही चोरी हुई थी बहुत जल्द। इसमें पुलिस ने खुलासा किया है इसका। बाजार बंद करने के पश्चात में जनप्रतिनिधि विधायक और पुलिस, देखिए विगत कुछ महीनों से गोविंदगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर में इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में ताले टूटने की घटनाएं और वहां से चोरी होने की घटनाएं जो हैं वो सामने आ रही थी। इसी क्रम में सीओ लक्ष्मणगढ़ के नेतृत्व में पूरी टीम ने बेहतरीन काम करते हुए एसएचओ लक्ष्मणगढ़ और डीएसटी ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। ये चारों भरतपुर के रहने वाले हैं और इन्होंने इनसे हमने 6 LED बरामद की हैं। इन LEDs के साथ साथ इन्होंने कम से कम 7 से 8 वारदातें और कबूली हैं जो इन्होंने अलवर और भरतपुर में की हैं और इसी के साथ आज हमने इनको गिरफ्तार करके पीसी रिमांड पर लिया है। इनसे पूछताछ की जाएगी और ये